तो हम आए हुए हैं बालाजी ऑटो लिंक्स टाटा सर्विस सेंटर फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, जो कि 1000 पे जो बेसिक सर्विस होती है वो करवाने के लिए, और 12 बजे आए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी कार की वॉशिंग वगैरह होगी, फ्यूल जो फ्लूड्स हैं वो टॉपअप वगैरह होंगे, और थोड़े अलाइनमेंट के इशू है वो देखेंगे, वो थोड़ा सा मैं करवाऊँगा यहाँ पर। बाकी जो जो चीज़ें आपके साथ अपडेटेड कर दूँगा। फर्स्ट सर्विस है, 10 दिन हुआ है गाड़ी लिए, 1072 किलोमीटर चल गई है, तो आइए चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये गाड़ी चल रही है अपनी, सर्विसिंग होगी, अभी वॉशिंग होगी पहले, सर्विसिंग होगी, फर्स्ट सर्विस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सर्विस बे, थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है वो टॉपअप हुआ है अभी, और बाकी वॉशर फ्लूड वगैरह टॉपअप होगा। कूलेंट चेक किया है, यहाँ पे कुछ गिर रहा था मटेरियल, अब क्या गिर सकता है मुझे आइडिया नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ कोई लाइन जाती नहीं है, क्या गिर सकता है, पर चेक कर रहे हैं, देखते हैं। एयर फिल्टर खोला जा रहा है, फिल्टर वगैरह चेंज हो रहा है, साफ़ होके लग रहा है। दूसरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में वॉशिंग के लिए, तो पहले ये सब काम हो जाए फिर वॉशिंग करवा लेंगे। नॉर्मल वाटर डाल रहे थे वॉशर में, मैंने कहा है थोड़ा शैम्पू वगैरह मिला के डाल दीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगी जब कभी यूज़ होगा तो। ये शैम्पू, विंडशील्ड वाटर, फ्यूल कॉन्सनट्रेट, मैपल वगैरह का कुछ डाला है इन्होंने। वॉशर अभी, वॉशर का जो थ्रो था वो यही मार रहा था, तो हमने करेक्शन कराया, वॉशर का थ्रो करेक्शन कराया, यहाँ यही मार रहा था, ऊपर थोड़ा सा ठीक कराया। दो चार चीज़ें और हैं, एक अलाइनमेंट भी चेक कराएंगे। गाड़ी लग गई वॉशिंग बे में, लेकिन लंच टाइम हो गया है तो लोग चले गए। अभी टाइम आपका बज रहा है 13:12, 1:12, लंच आधे घंटे का लंच है, उसके बाद सब सफाई वगैरह होगी। व्हीकल जो है वो अलाइनमेंट के लिए लगाइए, थोड़ा सा गाड़ी पुल कर रही थी एक साइड को, तो व्हीकल जो है अलाइनमेंट में अभी लगवाया, शुरू किया है, देखते हैं अलाइनमेंट रिपोर्ट क्या आती है। तो गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं हो पाया, इनके पास डेटा नहीं है, गाड़ी का अलाइनमेंट का डेटा नहीं है, तो अभी कंप्यूटर चेक करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कंप्यूटर चेक हुआ, ये वर्जन जो है वो 03 था, अभी 04 जो है वो अपडेट होता है कि नहीं, इनके पास वो सिस्टम है कि नहीं हम पता कर रहे हैं। बाकी ऐसे सिस्टम यहाँ लगा के जो है वो चेकिंग होती है कंप्यूटर में। हेडलाइट की अलाइनमेंट मतलब लेवलिंग करवाएंगे। सो गाइज, आज का जो सर्विसिंग थी फर्स्ट सर्विसिंग वो कंप्लीट हो गई है, और दो तीन पॉइंट्स जो मुझे कहने थे, एट लास्ट कैसा लगा फर्स्ट सर्विसिंग में टाटा की गाड़ी तो ले ली, उसके बाद क्या सर्विसिंग का पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। तो सर्विस सेंटर पे गए थे, रिसेप्शन वाइज बहुत अच्छा नहीं है कोई वहाँ पे, मैं बालाजी सर्विस सेंटर पे गया था रुद्रपुर में उत्तराखंड, और रिसेप्शन वाइज बहुत अच्छी कोई फैसिलिटी नहीं है, एक रूम था वहाँ सोफ़ा पर लगा था, आप जाइए तो बैठ जाइए, और वैसा हिसाब किताब था। बाकी जॉब कार्ड बनने के बाद मैं वहाँ कंटिन्यूस खड़ा रहा, 4 घंटे लगे, 12 बजे गए थे, 4 बजे फ्री हुए, उसमें बीच में आधा घंटा उनका लंच ब्रेक वगैरह भी था, चलिए वो कैंसिल कीजिए, लेकिन 3.5 घंटा करीबन काम में लग गया। और जो काम मेरा हुआ वो वॉशिंग हुआ,
वॉशिंग में 5 में से 3 नंबर दूंगा, काफ़ी जगह वॉशिंग 2.5 नंबर दूंगा, क्योंकि एक दो जगह मुझे गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया उन्होंने, जो साइड मिरर है उसके ऊपर पियानो फिनिश में, वहाँ पे साफ करना था लेकिन स्क्रैच वहाँ लग गया है। दूसरी बात, मुझे डाउट था कि गाड़ी एक तरफ भाग रही है, तो मैं व्हील अपना जो है अलाइनमेंट कराने के लिए गया था, उनके पास डेटा नहीं है अल्ट्रॉस गाड़ी का अलाइनमेंट का, 1 साल हो गया गाड़ी को मार्केट में आए हुए लेकिन उनके पास अभी तक डेटा नहीं है। फिर उन्होंने बोला हम शाम को मंगाएंगे, तो ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात थी कि डेटा ही नहीं है गाड़ी का अलाइनमेंट के लिए। कह रहे हैं सर अभी तक हमारे पास गाड़ी कोई आई नहीं अल्ट्रॉस अलाइनमेंट के लिए। मैंने कहा अच्छा सर चलिए ठीक है। हेडलाइट का इशू था, जो कि हाई बीम का तो रिजॉल्व हो गया, लो बीम का थोड़ा सा अभी भी है, एक गाड़ी की हेडलाइट एक ऊंची है एक नीची है लो बीम में। और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम लगा के चेक हुआ, मैंने कहा ECU अपडेट आया हुआ है 3 से 4, तो उन्होंने चेक करके दिखाया था मेरी, क्योंकि गाड़ी लेटेस्ट दिसंबर की बनी हुई है तो उसमें भी 03 वर्जन ही था, लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड करने की कोशिश की लेकिन वहाँ कुछ दिखा नहीं रहा था, मुझे उन्होंने पूरा दिखाया तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई था कि भाई वहाँ दिखा नहीं रहा है, तो हो सकता है अभी ना आया हो। बाद में उन्होंने कहा सर आएगा, अगर डिमांड होगी आपकी गाड़ी की तो अपने आप कॉल सेंटर वगैरह जो है वो बुला लेंगे सर्विस सेंटर वाले। मैंने कहा चलो ठीक है, वो उतनी बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने मुझे उस चीज़ में सेटिस्फाई किया। और बाकी हर चीज़ आपको कहनी पड़ रही है, बार बार बोलना पड़ रहा है, खड़े होकर एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है और पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन घर में तो गाड़ियाँ ऑलरेडी थी मारुति की है, तो वहाँ का जो है सर्विस और यहाँ की सर्विस में थोड़ा सा फ़र्क है ही, चीज़ों को सुधार सकते हैं, थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल हो सकते हैं, लड़के जो हैं मोर ट्रेंड हो सकते हैं क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अच्छा एक जो ब्लंडर किया सबसे शुरू में स्टार्टिंग में आप बताना भूल गया, मेरी गाड़ी का नंबर ही गलत डाल दिया सिस्टम में। दूसरा, मेरी गाड़ी मैंने पंजाब से ली थी, तो जालंधर का जो शोरूम है कॉस्मोस, उन्होंने मेरी गाड़ी का जो चेसिस नंबर जो रजिस्टर करते हैं पोर्टल पे, वही गलत मेरे फादर के नाम से रजिस्टर कर दिया, उनके मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है, तो वो पूरा क्योंकि वही गए थे देखने के लिए और बात करने के लिए, तो उनके नाम से कर दिया, वो कोई भी मैसेजिंग जो सर्विस की है उसकी वो मेरे पर नहीं आ रही, मेरे फादर के मोबाइल पर जा रही थी, तो उसके लिए उनको हमने वहाँ जालंधर कॉस्मोस जो टाटा का शोरूम है उनको बता दिया, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई हमारी गलती है, अब देखिए कितने दिनों में रिजॉल्व होता है वो चीज़, तो ये एक बड़ा इशू था। बाकी यहाँ जब आए रुद्रपुर में तो गाड़ी का नंबर ही गलत डाल दिया बिलिंग के टाइम पे, और जो बिल आया है वो भी मेरे फादर के नाम पे आया है, और उसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गलत डली हुई है, तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो कि क्या कह सकते हैं क्लरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लेकिन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं 5 में से कहूँगा तो 2.5 का ही दूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, कुछ चीज़ें कहने पे फौरन कर दी गई और कुछ चीज़ें जो हैं बार बार कहना पड़ रहा था, खड़े होकर देखना पड़ रहा था, तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप क्वेरी कर सकते हैं।